हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी डिशेज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ नेपाली स्टाइल से वेज मोमोज बनाने का तरीका। तो सबसे पहले इसके लिए हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 1.5 कप मैदा लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा डो ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको इस तरह से डो लगाना है। अब मैं इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक मोमोज के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डाला है, 8 से 10 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां हैं और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है और 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल दिए हैं और 1 नट के लिए भून लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है, 2 कप कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और हमें इन्हें मीडियम गैस पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हमें इनका कच्चापन ख़त्म करना है। अब हम 1/2 छोटा चम्मच विनेगर डाल देंगे। विनेगर ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये 1/2 कप मैंने ग्रेटेड किया हुआ पनीर लिया है, उसको भी डाल दिया है, गैस को बंद कर दिया है और ये हरा धनिया डाल दिया है कटा हुआ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सर को भी ठंडा होने देंगे। अब हम हमारे मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां तोड़नी है। इस तरह से एक बार में आप पहले सारी लोइयों को तोड़ के रख लें, फिर इससे इस तरह से बॉल्स बना लें। ये देखिए, मैंने सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम मोमोज की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सूखा मैदा लिया है। सूखे मैदा में 1 लोई लेंगे, उसको अच्छे से डस्ट कर लेंगे और एक बिल्कुल पतली पूरी बेल लेंगे। साइडों से आपको बिल्कुल पतला रखना है, इस तरह से जैसे मैं बेल रही हूँ, बिल्कुल साइडों से बेलते हुए बनाना है पूरी को। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरी इतनी पतली है। अगर आप मोटी पूरी रखेंगे तो मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी को बना के रख लिया है। इसी तरह से मैंने सारी पूरियों को बना के रख लिया है। एक बार में पहले आप सारी पूरियों को बना के रख लें, फिर हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पूरी लेंगे, 1 चम्मच भर के मसाला लेंगे और सेंटर में इस तरह से लंबाई में रख देंगे। नीचे से छोटा सा पार्ट उठाएंगे और इस तरह से ऊपर फोल्ड कर देंगे। दोनों साइडों से उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे। फिर इस तरह से हमको प्लीट्स बनानी है। एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे और एक इधर से, और लास्ट में इसको सील कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा मोमोज का एक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरह से एक और बना लेते हैं हम। नीचे से उठाएंगे, दोनों साइडों से उठाएंगे और चिपका देंगे। फिर दोनों साइडों से इस तरह से प्लीट्स बनानी है। मैं बहुत धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से बनाना है, और लास्ट में इस तरह से सील कर देंगे।
ये हमारा एक तरीका हो गया। अभी हम दूसरा डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए हम एक पूरी लेंगे और सेंटर में इस तरह से फिलिंग को रख देंगे। अब हम जिस तरह से गुजिया बनाते हैं उस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, साइडों से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। साइडों से अच्छे से दबा लें, इसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए और यहाँ से इस तरह से चिपका दें। ये देखो, ये हमारा दूसरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। एक और बना लेते हैं इसी डिज़ाइन में। फिलिंग लेंगे, सेंटर में इस तरह से लंबाई में रख देंगे और गुजिया की तरह फोल्ड कर देंगे। साइडों से अच्छे से दबा देंगे और एक फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा दबा देंगे इस जगह से। अब हम तीसरा डिजाइन बना लेंगे। इसके लिए एक पूरी लेंगे, बिल्कुल सेंटर में एक चम्मच भर के फिलिंग रखेंगे और फिर इस तरह से उठाते हुए एक प्लीट बनाएंगे, फिर दूसरी प्लीट बनाएंगे, उसको पहली पहली प्लीट पे रख देंगे, फिर एक और प्लीट बनाएंगे, उसको पहली वाली प्लीट पे रख देंगे। इस तरह से प्लीट्स बनाते जाएंगे। और लास्ट में इस तरह से पैक कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। एक और बना लेते हैं इसी डिज़ाइन में। फिलिंग लेंगे, उसको सेंटर में रख देंगे, इस तरह से उठा के एक प्लीट बनाएंगे, फिर दूसरी प्लीट बनाएंगे, पहली प्लीट पे चिपका देंगे, फिर एक और प्लीट बनाएंगे, उसको पहली प्लीट पे चिपका देंगे। इस तरह से प्लीट्स बना के आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे और इस तरह से पैक कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मोमोज को पहले भर लिया है। अब हम इनको स्टीम करते हैं। मोमोज को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कढ़ाई रखी है, उसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है और उस ऊपर से इस तरह से जाली रख दी है। आप कढ़ाई या भगोनी कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मोमो स्टीमर है तो वो भी ले सकते हैं, या आप इडली स्टैंड में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा हम मोमोज को रख देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आने लग गया है, मोमोज को हम रख देते हैं। इस तरह से मैंने सारे मोमोज को रख दिया और ढककर अब हम 10 मिनट के लिए इनको स्टीम करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मोमोज हमारे स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए कितने ट्रांसपेरेंट मोमोज बने हैं बिल्कुल। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मोमोज कितने अच्छे मोमोज बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, नेपाली स्टाइल मोमोज हैं। चलिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई डिलीशियस एंड हेल्दी डिश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।